आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और अभी कवर करेंगे हम सभी 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सभी को सबसे पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक इस वीडियो के ऊपर आप सभी करिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना सुबह 4:30 बजे, मैं बार बार बोल रहा हूं, लास्ट का 3 महीना क्वेश्चन को घोल कर पी जाओ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहां पर लगता है कोई क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ताकि करेंट अफेयर वाले सेक्शन में एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। चैनल के ऊपर जो भी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को टाइम पर टाइम मिलता रहे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो मनाते हैं हम सभी 29 अक्टूबर को, क्लियर आपको फोटो में दिख रहा होगा, 29 अक्टूबर को जो है हम सभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे जो है वो मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय जन्माष्टमी कार्यक्रम यह जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा 2020 में, और ये 8 नवंबर को इसका आयोजन होने वाला है। कहां पर होगा, तो जापान का राजधानी टोक्यो में। ऑप्शन नंबर हमारा बी, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो आप क्या बोलिएगा, टोक्यो में, जापान की राजधानी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023 और 24 तक 5 साल की अवधि के लिए ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेश में कितने करोड़ के विशेष पैकेज की मंजूरी दी गई है। 520 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पैकेज के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो दिया जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन, और एक चीज और, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट आपका 5 है, राज्यसभा सीट आपका 4 है, और लद्दाख की बात करूं तो यहां पर आपका लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1 भी नहीं। यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपका लद्दाख का, तो आपको पता होना चाहिए, राधा कृष्णा माथुर। और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल तो आप बोलिएगा मनोज सिन्हा नाम है भैया यहाँ के उपराज्यपाल का। ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है ना, वहां पर वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, गीता मित्तल। काफी बार बता चुका हूं, एग्जाम में अगर पूछे तो मत बोलना भैया पता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोला है हमारे सामने, निम्न में से किसने अल्प थैलेसीमिक रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण जो है वो शुरू किया है। यह किस प्रकार का बीमारी है भैया, आप देखो होंगे अक्सर ना, और लोग देखते जो है वो थोड़ा टेढ़ा देखते हैं, ठीक है, उस टाइप का यह बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी के लिए बाल सेवा योजना शुरू किया गया है, वो भी इसका दूसरा एडिशन, दूसरा चरण, कहां पर, किसके द्वारा, तो यह शुरू किया गया है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, जो हमारे केंद्र में, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने अपने खुद का शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, ताकि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना उनको फायदा मिल पाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। यह शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, यहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल बीपी सिंह बदनोरे, यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा, आप सभी को पता होना चाहिए। पंजाब का हाई कोर्ट कहां है आपका, तो आपका चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। और एक बात आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो भी कहां पर है, वो भी चंडीगढ़ में है, यानी हरियाणा और पंजाब दोनों अपने मामले जो है वो एक ही हाई कोर्ट में साझा करते हैं, और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है आपका, रविशंकर झा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट आपका 13 है,
राज्यसभा सीट आपका 7 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ठीक है, और यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप गोहरा, ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी बुक्स है ना, आप बस देख कर निकलो मत। आप अगर सुबह में 4:30 बजे करेंट अफेयर देख रहे हैं तो कम से कम एक बार आप रिपीट कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको अपना ये हरकत याद रहे। अगर कभी एग्जाम में ऑप्शन के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, और आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको याद आएगा ये कहीं ना कहीं हम पढ़े, यानी आपके ज्यादा मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार सभी कोई ना इस किताब का नाम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपका? प्रदीप गोहरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फिल्म डिवीजन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर किस व्यक्तित्व के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रही है, एक वृत्तचित्र बनने जा रहा है, किसके ऊपर? तो हमारे देश के महान नागरिक, क्या नाम है इनका? पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कौन है? अब्दुल कलाम जी, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इनके ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा। और एक बात, इस फिल्म को डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है याद रखिएगा, इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो पंकज ब्यास, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की है? अब ये क्या बोल रहा पहले समझ लो, यह जो इनिशिएटिव, ये जो योजना चालू किया गया, पहल चालू किया गया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यह इनिशिएटिव चालू किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा, क्यों भैया क्या बोल रहा है, यह योजना का मतलब है क्या? देखो आप मान लो ना, अगर कहीं पर आप ट्रैफिक में रुकते हैं, रेड लाइट जो है वो आपका चालू हो गया तो आपको रुकना पड़ेगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इतने बदमाश होते हैं, वहां पर भी ना गाड़ी को ऑन कर कर रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर गाड़ी ऑन रहेगा धुआं निकलेगा, प्रदूषण फैलेगा। तो राज्य सरकार का कहना है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का, कि कम से कम अपना गाड़ी वहां पर ऑफ कर दीजिए, ठीक है, पॉल्यूशन भी कम फैलेगा, बहुत फायदा भी होगा। लेकिन बहुत लोग बदमाश है कि यहां पर रेड लाइट जल रहा है लेकिन हॉर्न मारते रहेंगे। तो योजना आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब है अगर रेड लाइट अगर ऑन हो जाए ट्रैफिक पोस्ट का, तो गाड़ी कम से कम ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। और यह पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपका दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है, आपको पता है, राज्यसभा सीट आपका 3 है। दिल्ली का जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, वहां के DNP, वहां के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? धीरू भाई नारंग भाई पटेल। मुख्यमंत्री AK अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल AB अनिल बैजाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जम्मू और कश्मीर सरकार ने दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आप सभी को पता है ना, टैलेंट का कमी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं है, और वहां का तो सबका सपना होता है जम्मू कश्मीर में घूमना। और जम्मू कश्मीर में कितने भी आप देख लो, बहुत सारे कारीगर है, बहुत सारे शिल्पकार, बहुत ज्यादा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का कंडीशन ऐसा है ना, वहाँ पर लोग आज़ादी से नहीं जी पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को हर एक फैसिलिटी देना तो बनता है। आप सोच लो, COVID-19 में आप 4 दिन स्टार्टिंग में घर में थे तो हालत ख़राब हो गया, तड़पने लगे। वहाँ के लोग साल भर में ना 7 से 8 महीना लॉकडाउन में रहते हैं, अगर नेट चला जाए ऊपर से, सोच लो तब कंडीशन क्या होगा। वहाँ पर 4G नहीं चलता है, 2G भी बहुत मुश्किल से चलता है, और कभी कभी तो कितने कितने दिन तक नेट तक नहीं आता है, फोन कॉल बंद रहता है। आप समझ लो वहां कंडीशन क्या होगा, समझ सकते हैं, जी पाएंगे, तड़प कर मर जाएंगे। तो वहां के लोगों को फैसिलिटी देना तो कम से कम बनता है। नीति क्या है किस सरकार का, वो उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा
कि वहां के नागरिक को हर एक सहायता कम से कम मिलना चाहिए, ठीक है। और हर एक नेता, वहां के जो भी स्थानीय नेता है, जो भी नेता है, अपने नागरिक के बारे में पहले सोचो, अपने पॉलिटिक्स पार्टी को छोड़कर, ठीक है। और एक बात, तो वहां के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके टैलेंट को, उनका सामान भी बिक्री हो पाए, उनका वहां रोजगार मिल पाए, इन सब चीज को, उनके सामान को पूरे वर्ल्ड वाइड, या फिर वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं, पूरे दुनिया भर में जो है बिल्कुल बेचा जा सके, इसके लिए किसके साथ डील साइन किया गया जम्मू एंड कश्मीर सरकार का, तो फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे बेघर होने का अनुभव करने वाले बच्चों और युवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए ना अमेरिका में उनके काम की मान्यता में प्रतिष्ठित सेंड्रा निस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा काम है और इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका हरीश कोटेचा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टीबी ट्यूबरक्लोसिस पर हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी की मामलों में कितने प्रतिशत की देखा गया है, मतलब कमी देखा गया है? तो 25-30% की कमी देखा गया है। तो अच्छा बात है ना भैया, ये अच्छा बात नहीं है, ये गलत बात है। क्या बात कर रहे हैं भैया, अगर कमी देखा गया है तो ये अच्छा बात है ना? नहीं, टीबी का कमी क्यों देखा गया है? WHO का कहना है ना, जो ये COVID-19 का प्रकोप फैला हुआ है ना, इसके वजह से मरीज अपना जांच जो है वो करवाने नहीं जा पा रहे हॉस्पिटल। इसके वजह से क्या हो रहा है, टीबी के जो केसेस है वो कम देखे जा रहे हैं, यानी उनको संक्रमित है, उनको टीबी है, लेकिन वो चेकअप नहीं करवाने जा पा रहे हैं। और सरकार का तो टारगेट है कि क्या टीबी से जल्द जो है वो पूरा विश्व जो है वो मुक्त हो जाए इस बीमारी से। लेकिन कब हो पाएगा? जब बीमारी का पता लग पाएगा, उस पर काम हो पाएगा, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर कमी देखा गया है, मतलब क्या, यहां पर जांच नहीं करवाया गया, चेकअप नहीं करवाया गया है, इसीलिए जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कम देखा गया है, ठीक है। कितना डी? 25-30%। और आज का पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, टीबी केस यानी ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, इसका डेट बताना है, पहला चीज। दूसरा चीज, 2020 का विषय थीम क्या था यह भी आपको बताना है। रात को 11:30 वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया है रिवीजन वाले में, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं, सभी कोई आंसर दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने इंटर का शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल का नाम है? सुमंगल पोर्टल। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। कैपिटल उड़ीसा का भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा सीट आपका 10। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 29 अक्टूबर का। क्लास पसंद आया होगा, एक लाइक कर दीजिएगा सभी कोई। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी।